ओके प्लीज की मुझे संतरा खिलाया उन्होंने। गाइस वेलकम बैक टू द लास्ट डे ऑफ आवर थाईलैंड सीरीज। आज हमारे यहाँ पे लास्ट डे है एंड अभी मैं बायोको होटल का ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा हूँ। इनका ब्रेकफास्ट भी पूरा 360 डिग्री व्यू पे है। इनका जो ब्रेकफास्ट है इस एंड से स्टार्ट होकर पूरे मतलब दूसरे एंड तक है, पूरा एक तरीके से 360 डिग्री में तो नहीं मतलब 270 डिग्री के आसपास फैला हुआ है। और देखा जाए तो मतलब नॉन वेज ऑप्शन ही ज़्यादा है यहाँ पे थाईलैंड में, कहीं पर भी जाओ बस और कुछ है नहीं। एंड हाँ, आज हम जंगल सफारी जा रहे हैं, लास्ट डे हमारा जंगल सफारी से एंड होएगा, तो चलो देखते हैं क्या है। और आज तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, बस अब हम चेकआउट के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। सबका सामान वगैरह लगेज एरिया में रख देंगे अपना, एंड जो भी मतलब अब हमारा है ये पहले जंगल सफारी, उसके बाद रात को हम लोग चेकआउट कर देंगे। रात को मतलब चेकआउट नहीं करना, मतलब रात को हमारी फ्लाइट के लिए हम निकल जाएंगे यहाँ से 10 बजे। तो होटल आज का तो हमने लिया नहीं और उसका लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं था हमारा। गाइस अभी हम ओपन जू में जा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी में जाना अलाउड है शायद। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Better days seem like they just stay away whenever I try.
कहते कार में सफारी वगैरह करके आए हैं और अब हम अंदर इसमें जा रहे हैं जंगल सफारी में। इसमें एक ओरंगउटन शो करके है तो अभी देखते हैं। एंड हमने जो है एक वो रिवर सफारी की अपनी टिकट अलग से परचेज करी है। वैसे यहाँ पे कॉम्बो की टिकट यहाँ पे काउंटर पे लिखा है मरीन की और सफारी पार्क की 1500 बाट की है। वो पैरट्स की कितनी आवाज है, हर तरह के पैरट है, मकाऊ वगैरह जो भी होते हैं। ये किस तरीके टाइप के घोड़े हैं भाई, ये गाय हैं घोड़े हैं क्या है, ये नाम भी नहीं लिख रहे सालों ने। हमें इस शो में जाना है और आएंगे कान शो में, इसमें 10 मिनट लेट हो गए स्टार्ट होने में। चलो इसमें देखते हैं क्या है, अंदर एंट्रेंस भी धासू ना रुको। मोनू भैया कैसा लगा आपको शो और जिराफ का एक्सपीरियंस? अच्छा था एक्सपीरियंस उनका, बहुत टैलेंटेड शो था। ट्रेनिंग कैसे दे रही है सालों को पता ही नहीं, गुड ट्रेनिंग उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ हर चीज का। रिवर सफारी में भी जाएंगे वो भी, ये अपनी वीडियो कॉल पे लगा हुआ है, मस्त लग रहा भाई। नेक्स्ट स्टॉप हमारा एलिफेंट शो, अभी एलिफेंट शो में जा रहे हैं, आपको एलिफेंट दिखाएंगे, पानी फेंकेंगे हमारे ऊपर। हाँ भाई पानी भी फेंकते हैं भाई, ये वध भी है। भीड़ देखो पीछे कितनी तगड़ी भीड़ है, ये लोग पेंट कर रहे हैं, एलिफेंट पेंट कर रहे हैं। शुभम को बुला लिया, पता नहीं सुनर क्या करेंगे। शुभम सॉरी सॉरी फ्रॉम Oh, Malaysia, 大家好,你好. And come. No, 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 no. चलो इसको कैसे तो लड़की मिली। Our top prop, Kumha. Yes, Roy. Yes, okay. Everybody, keep an eye. We have a surprise. Come on. การท่องเที่ยวกลับมาคราวนี้มันต้องฟังปุริเย่มากๆเอาล่ะ
अब हम रिवर सफारी करने जा रहे हैं, जिसके हमने पैसे अलग से दिए हैं, टिकट के एक्सक्लूडिंग है 380 भाट पर पर्सन। चलो इसमें भी देखते हैं क्या नया है, लेकिन इसमें वो नहीं होना चाहिए वो ऐसे जाके वो गीला कर देते हैं, है ना, सारा सामान गीला हो जाएगा। गाइस अब हम लोग निकले रिवर सफारी पे, बहुत देर से हम लोग घूम रहे थे सफारी पार्क के अंदर, हमने बहुत सारे शो देखे, हमने चिंपैंजी शो देखा, ज़ेब्रा शो देखा, एलिफेंट शो देखा। अब गाइस हम एक नए एडवेंचर पे निकले हैं, इस एडवेंचर का नाम है रिवर सफारी। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। तीन भाई हैं, मिस्टर एस जी फॉर यू, मिस्टर मोनू गोयल एंड आवर ब्लॉगर मिस्टर हर्ष जिंदल। हम और चले फिर जंगल में मंगल करेंगे फिर दंगल। ये देखो ये दिल्ली वाला वो लड़का है जो साला यहाँ पर भी अपने फोन में घुसा रहता है। बोट लग गई सर पे, बोट लग गई सर पे, बोट लग गई सर पे, बोट भी सर पे, बोट लग गई मेरे सारे। हाँ भाई कैसा लगा, पैसे वेस्ट हो गए? उस टाइम पर गंगा चला। कुछ नहीं है, बेकार है भाई, मत करना बिल्कुल भी, कुछ मजा नहीं आएगा इसमें। Thank you.
गाइस हम लोगों ने वो सब क्या कहते हैं कर लिया था सफारी वगैरह, तो बेस्ट जो लगी थी वो थी डॉल्फिन शो और सी लाइन का शो। तो अभी हम लोग इंदिरा मार्केट दोबारा आए थे और ये देखो कुछ भी करते रहते हैं भाई, ये देखो सलाह बिठा ली, ये देखो गाइस आज हमारी लास्ट बात है यहाँ पर, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं वापस अपने इंडिया। तो सोचा है एक बारी एक मॉल है यहाँ पर उधर ही चले जाएं और थोड़ा बहुत यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर लें। हर जगह यहाँ पे गंदी खाने को मिलता है भाई मेरे हिसाब से। तो भाई हम लोग आए थे मॉल में, हमने शूज वगैरह लिए, हम ग्रहण सीखो के उस पर आ गए, एक वो शुभम भाई को बहुत पसंद आ गई 276,000 बाट की। ये हमारे साथ दुबई में भी हुआ था मनु भाई, लेकिन ज्यादा बड़े वाला कांड हुआ था वो तो 98 लाख रुपए की वॉच थी। अब हम बाय बाय कर रहे हैं थाईलैंड को, बाय 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 ओके होटल, ये हमारा अभी तक बेस्ट होटल लगा मुझे। सो हमारी टैक्सी आ गई, हालांकि टैक्सी भी फॉर्चुनर कर रही है यहाँ पे, बढ़िया है भाई। तो मॉडिफिकेशन पूरी शीशे टिंट वगैरह पूरे करा के रखते हैं भाई। तो भाई जो हमारे टैक्सी के ड्राइवर भैया हैं, ये जो भी एयरपोर्ट तक लेके जा रहे हैं सोनभूमि एयरपोर्ट पर, ये ट्रैफिक टूरिस्ट पुलिस में है और ये पार्ट टाइम जॉब ऐसा टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं। और मतलब ये कितना मतलब एक अनोखी बात है कि इंडिया में एक पुलिस वाला किसी को नौकरी पे रख लेगा, ये तो बल्कि खुद ही नौकरी कर रहा है साइड बाय साइड पार्ट टाइम, कितनी अनोखी बात है भाई ये। गाइस अब हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अब भाई देखो एयरपोर्ट के अगर एक दो कुछ सीन्स वगैरह डालेंगे तो भी विदाउट गिम्बल डालेंगे तो प्लीज़ स्टेबिलिटी इशूज़ हो सकते हैं। तो गाइस हम लोग क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, अपना थोड़ा बहुत टाइम पास करा, बैठे रहे, मोनू भैया ने दो तीन बियर मारी और यहाँ की ड्यूटी फ्री में आ गए। यहाँ की ड्यूटी फ्री बहुत ही सेक्सी है भाई। और हम लोग लेट हो गए थे, मतलब हमें किसी ने बताया 12:45 का बोर्डिंग स्टार्ट होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं था और हमने लास्ट बोर्डिंग करी अपनी फ़्लाइट की। अब आप बोलते रहो पहले बोल रहे हो, लेकिन उसने बोला था भाई हमने शूज़ वगैरह लिए थे तो शूज़ वगैरह में हमें टैक्स रिफंड मिलेगा जैसे दुबई में होता है। तो वो आप लोग पहले चेक इन से पहले एक बार अपने जो ड्यूटी फ्री क्या होता है टैक्स रिफंड के उसके फॉर्म पे आप प्लीज़ एक बार स्टैम्प जरूर लगवा लेना, फिर उसके बाद ही कुछ मिलेगा। तो भाई हमें मिल गया देखो 120 दिरहम मिले शूज़ के, वापस कमाई होगी भाई, हम बनिए के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है, हमेशा की तरह स्पाइस जेट की फ़्लाइट सबसे बेकार, और मतलब कुछ हमारा फ़ायदा भी करा दिया। हम बिल्कुल भूखे थे, हमें कुछ खाने का नहीं मिला, इमिग्रेशन होते हमें टैको बेल मिला, हमने टैको बेल के 2-3 वेजिटेरियन मील ऑर्डर कर दिए, अब पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा। और हमारी फ़्लाइट 1.25 घंटा लेट है, स्पाइस जेट ऑलवेज लेट एज ऑलवेज, स्पाइस जेट की फ़्लाइट लेट है। एंड बाय बाय टू बैंकॉक एंड वी विल मीट अगेन गाइस। एंड बस अब हम सोने जा रहे हैं, पीछे बैग मार रहे हैं, तो अभी सीट्स खाली थी तो आधे से ज़्यादा प्लेन खाली है, तो ये एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट्स हमें मिल गई, दैट्स अ गुड थिंग। और बस अब बाय बाय टू बैंकॉक, फिर मिलेंगे। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।